नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। दोस्तों, मंडी परिषद की परीक्षा हो चुकी है। अब यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो अगली परीक्षा ली जाएगी वो लोअर पीसीएस की ही होगी और ये परीक्षा लगभग 15 जुलाई के आसपास होगी। तो आपके पास अभी लगभग पूरा जून पड़ा है और जुलाई के कुछ दिन। तो चलिए आज से हम विज्ञान शुरू कर रहे हैं। ये लेसन वन है जिसमें कुल मिला के 125 प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, और सभी प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, यूपी पीसीएस, एसएससी, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट और अन्य परीक्षाओं में। ठीक है, कुल मिला के 125 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब तो बनता है। कार्य का मात्रक, चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। कार्य का मात्रक जो है क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, जूल। ठीक है, जूल। और किसका है जूल? एनर्जी का। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा का जो है जूल है, ऊर्जा और कार्य का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही जवाब हो जाएगा दूसरे प्रश्न का, दूरी की। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसको प्रकाश वर्ष जो है कहा जाता है, लाइट ईयर इंग्लिश में। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर। तीसरे का सही जवाब है विद्युत धारा का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है, जो धारा है, उसको मापने की इकाई है एम्पियर। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, प्रकाश वर्ष, चंद्रमा। समय का मात्रक कौन नहीं है? सही जवाब है प्रकाश वर्ष, ये दूरी का है। पारसेक जो है वो किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? सबसे बड़ी इकाइयों में से एक इकाई है पारसेक, वो है दूरी की। अगले प्रश्न में एक सुमेल नहीं है, वो कौन सा है? कोई एक जो है वो सुमेल नहीं है। डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई जो है ये भी सही है, हॉर्स पावर। समुद्री मील, दूरी की इकाई है, ये भी सही है। छठे का जो होगा वो है ऑप्शन डी, सेल्सियस, ताप की इकाई है, ना कि ऊष्मा की इकाई। ल्यूमेन जिसका मात्रक है वह क्या है? ल्यूमेन। सातवें प्रश्न को जरा ध्यान से देखें, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल, दाब की। ठीक है, आठवें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंडिला। मात्रक किसका है? कैंडिला। नौवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कैंडिला, ज्योति तीव्रता। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? सही जवाब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ग्यारहवें प्रश्न क्या होगा? बल और दाब। अदिश राशि कौन सी है? बारहवें प्रश्न में पूछा गया है अदिश राशि, अदिश राशि कौन सी है? सही जवाब है ऊर्जा। अदिश राशि और सदिश राशि में से एक प्रश्न जो है लोअर सबऑर्डिनेट में जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, कई सारी अदिश राशियां हैं, ये पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, तेरहवें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में, अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? चौदहवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता या होती है? तो पंद्रहवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, समान त्वरण होता है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 N का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण किसके समान होगा? जो त्वरण है वो 2.5 m/s². किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी कि बाहरी बल सक्रिय ना हो। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन की गति का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है ये, संवेग संरक्षण, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका जो है उसका कारण क्या है? 19वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। ये भी न्यूटन का नियम है, चलती हुई बस अचानक ब्रेक
लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसके द्वारा जो है इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है, न्यूटन के किस नियम के द्वारा? तो न्यूटन के पहले नियम के द्वारा, ऑप्शन बी। बल का गुणनफल किसके बराबर है? बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण के। शरीर का वजन क्या सभी जगह समान रहता है? शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, पता होना चाहिए आपको। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा कितना होगा? 23वें का सही जवाब है 100 न्यूटन, 1/6 हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना है? तो 24वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 किलोग्राम। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, 1/6 है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितने न्यूटन के बराबर होगा? ऑप्शन सी, 9.8 न्यूटन। जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? 27वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, टॉर्क। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, UPSC का प्रश्न है। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल पर क्या असर पड़ेगा? 29वें का सही जवाब है उतना ही रहेगा, ऑप्शन सी। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। अक्सर ये प्रश्न इस तरह से भी घुमा के पूछा जाता है कि सर्दियों में पाइप जो है वो फट जाती हैं, ठीक है। तो 30वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पानी जमने पर फैलता है, आयतन उसका बढ़ जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उससे संबंधित है। तो 31वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब उसका क्या परिवर्तन होता है? 32वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों? ये घनत्व पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। समुद्र का जो पानी है खारा है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका भी जवाब है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है। पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो 34वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो 35वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, घनत्व। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 36वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1/9। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों? तो 37वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है जिससे कि वो चिपक जाते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है, पैन से स्याही निकलने लगती है किसी कमी के कारण? वायुदाब में कमी के कारण। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? 39वां प्रश्न सही जवाब है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है या कम या उसके बराबर? तो 40वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किसका संकेत देता है? एक तूफानी मौसम का। 41वें का सही जवाब हो जाएगा तूफानी मौसम, ऑप्शन डी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों?
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ऊपर क्या है वायुदाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, रेडियो सक्रियता या कृत्रिम रेडियो सक्रियता। ये क्वेश्चन भी कॉमन है, पता होना चाहिए। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से जो है ऊर्जा बनती है सूर्य की, और जो पृथ्वी पर अब तक न्यूक्लियर जो है विखंडन से जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अभी तक नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है ये सिर्फ सूरज में ही होती रही है, पृथ्वी पर संभव नहीं है, क्योंकि इससे जो ऊर्जा है वो नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा से कई गुना ज़्यादा होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? सही जवाब है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार जो है परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो 46वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका जो आकार है वो परिवर्तित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। गतिज ऊर्जा इनमें से किसमें नहीं है? वो है खींचा हुआ धनुष। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 48वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चौगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश? SSC में पूछा गया प्रश्न, ये सही जवाब है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, एनर्जी के संदर्भ में साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? 50वां प्रश्न, सही जवाब है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल या बाह्य बल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, सही जवाब है 51 का ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या असर पड़ता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कुएं से पानी खींचना, डेली लाइफ साइंस का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब प्रतीत होता है? जब त्वरण के साथ नीचे आ रहा हो। ठीक है, फ्री फॉल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, 1/6। लोलक की काल अवधि, ये भी प्रश्न कॉमन है, वो किस पर निर्भर करेगी? वो निर्भर किस पर करेगी लोलक की काल अवधि? 56वां प्रश्न, सही जवाब है ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? देखिए, अभी मैंने बताया कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तो जो है गर्मियों में लंबाई बढ़ जाती है इसलिए जो है सुस्त हो जाती है, और सर्दियों में सिकुड़ जाती है हल्की, इसलिए जो है वहाँ सर्दियों में तेज होती है। तो 57 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवृत काल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? 58 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2%। अगला प्रश्न है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? 59वां प्रश्न, सही जवाब है ऑप्शन ए क्वासो अनुपात। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किस कारण से? वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, आपका है ऑप्शन ए सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण कहा जाए तो। अगला प्रश्न है, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण? केशिका क्रिया के कारण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी है, पेड़ पौधे जो पानी खींचते हैं भूमि के नीचे वो इसी प्रक्रिया के तहत
खींचते हैं। जो दिया जलता है वो इसी केशिका क्रिया के आधार पर जलता है। 61वें प्रश्न का ऑप्शन बी होगा। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज, पॉइजुली, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। श्यानता, विस्कस इंग्लिश में कहेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, पॉइज। उपलावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? 63वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित थे? यहाँ पे राष्ट्र पूछ रहा है, नागरिक वो किसके थे? ग्रीस के। ध्वनि तरंगों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। तो 65वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुदैर्ध्य। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो प्राश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे जो कि हमें सुनाई नहीं देती हैं, पता होना चाहिए आपको। प्राश्रव्य वो ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक होती है। ये 20,000 हर्ट्ज़ क्या है? सही जवाब क्या होगा? 20,000 हर्ट्ज़ इसका सही जवाब है। और मनुष्य की सुनने की क्षमता भी 20,000 हर्ट्ज़ ही है अंतिम, और इससे ज़्यादा होती है, इसलिए हमें सुनाई नहीं देती है। कुछ विशेष जानवर और कीट ही प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, तिलचट्टे, चमगादड़ आदि। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक। तो 68वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबवत। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे जो आएंगी वो आएंगी 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ेगा? 332 मीटर पर सेकंड, कोई असर नहीं पड़ेगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी? अधिकतम और एकदम शून्य जान लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अधिकतम होगा इस्पात में, यानी कि ठोस में, इस्पात के अंदर, और न्यूनतम होगा निर्वात में, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। निर्वात यानी कि वैक्यूम, यानी कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में एकदम करीब सटे दो लोगों को भी आपस की बात सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि मीडियम कुछ नहीं है। जबकि सबसे तेज़ जो आवाज़ गति चलेगी वो इस्पात में चलेगी। तो 71वें प्रश्न का जो है सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, इस्पात में। अधिकतम पूछा है, न्यूनतम होगा निर्वात। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड, 72 का वैसे सही जवाब है ऑप्शन ए, 330 मीटर, सबसे करीबी आंसर। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोर गुल जो है वो 100 डेसिबल के बराबर होगा। साधारण बातचीत 40 से 60 डेसिबल के बराबर होती है। डेसिबल ध्वनि की इकाई। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? सही जवाब है केवल ध्वनि गुणता के कारण। अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई किसका है? ये मैंने बता दिया है आपको, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनित, इको उत्पन्न करती है, यानी कि हमें दोबारा आवाज़ जो सुनाई देती है वो किस कारण से सुनाई देती है? तो उसका सही जवाब है परावर्तन। अगला है सोनार, सोनार अधिकांशतः कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो सोनार जो है नौ संचालकों द्वारा पानी के अंदर किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक तरह की प्राश्रव्य तरंगे जो हैं भेजी जाती हैं जल के अंदर, और इससे जो है किसी छिपी वस्तु की स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो 78वें का सही जवाब है ऑप्शन डी। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो 79 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। ये प्रश्न UPSC में भी पूछा गया है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो 80वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? सही जवाब है 81 का ऑप्शन डी, 310। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमापियों में से एक ही होंगे? तो 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, -40 डिग्री। न्यूनतम संभव तापमान, न्यूनतम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो सकता है? तो ये है -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक्सपेरिमेंटल है,
वैसे संभव नहीं है। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है फ़ारेनहाइट में जो है बताइए, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे गलत है, 36 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में उसका जो तापमान है वो हो जाएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में पूछा हुआ है यहाँ पे तो 37 डिग्री सेल्सियस। 85 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके लकड़ी के गुटके के प्रातःकाल छूने पे लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। 87 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो 88 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। ठीक है, ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि प्रकाश का अच्छा प्रवर्तक है। पता होना चाहिए आपको सफ़ेद वस्त्र जो है प्रकाश का अच्छा प्रवर्तक हो जाएगा जबकि काले कपड़े जो हैं वो ऑब्जॉर्ब करते हैं, और एल्बिडो प्रभाव भी इसी से संबंधित है। न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग यानी कि क्रायोजेनिक का जो है प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रस्थापन और दूरमिति में। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते, सही जवाब है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 93 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। क्यों आर्द्रता से मनुष्य जो है परेशानी के महसूस करता है, अनुभव करता है, सही जवाब है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित, यानी कि पसीना सूखता ही नहीं है। जैसे ही पसीना सूखता है वैसे ही मनुष्य को कंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए कहते हैं कि आर्द्रता जो है उससे जो है सफोकेशन, यानी कि हमारा पसीना सूखता नहीं है, दम घुटने जैसा फील होता है। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक के पूर्व उसके वाष्प के बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 95 का जो है सही जवाब है ऑप्शन ए वाष्पीकरण। ठीक है, जब वो संघनन की प्रक्रिया 100% से ऊपर, वाष्पीकरण से अगली जो स्टेज है वो संघनन की प्रक्रिया है जब बारिश होती है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, 96 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। ठीक है, यहाँ पर दाब जो है उस पर निर्भर करता है। भाप से हाथ अधिक जल जाता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, 98 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश विकिरण की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो सही जवाब है तरंग और कण दोनों के समान। दोस्तों यहाँ पे 23 मिनट हो चुके हैं, एक बड़ी वीडियो बनी है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी ये जो है लेसन 1 है, इस तरह के साइंस अभी पूरी जनरल लाइफ साइंस आपकी कंप्लीट करानी है। लोअर पीसीएस में जो है कंप्यूटर साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंप्यूटर का सेक्शन भी जो है अगला मैं ला सकता हूँ। फिलहाल इसके बाद जो वीडियो आएगी वो भी साइंस पर ही होगी, और कुल मिला के यहाँ पे 250 प्रश्न जो है इस चैप्टर से हैं, और अभी साइंस बहुत पड़ी है, तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें।